नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल उमेश राय यूट्यूब चैनल में। मैं उमेश सिंह। आज दोस्तों आल्टर विभाग कह लीजिए, ठीक है, तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग जो आपके सामने है, या कन्वर्टर विभाग भी इसे कहते हैं। दूसरा होगा आईएफ एम्पलीफायर डिटेक्टर और एजीसी विभाग। तीसरा होगा ऑडियो विभाग। जो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं चैनल पर हमेशा देता रहता हूँ। हाई वोल्ट डीसी पर कार्य करता है रेडियो, ठीक है। 7 ट्रांजिस्टर प्रयोग किए गए हैं जो मैं ये बताऊंगा। टोटल 7 ट्रांजिस्टर और एक डायोड से ये पूरा हमारा रेडियो बन जाएगा, ठीक है। बैंड में मीडियम वेव के अनुसार प्रत्येक बैंड में एक ऑसिलेटर कॉइल तथा ये कॉइल है और ये है एंटीना कॉइल, ठीक है। ये ऑसिलेटर कॉइल, ये लिखा है, देखिए ऑसिलेटर कॉइल T1 और ये है एंटीना कॉइल। जो शेष सर्किट बचता है वो प्रत्येक बैंड के लिए कॉमन होता है दोस्तों। कॉइल में 3 तारें निकली रहती हैं, 3 टाइपिंग होती हैं, ठीक है। तो जिसका कलर कोड देखिए, कलर कोड ग्रीन हरा, ठीक है। जो एंटीना कॉइल होती है उसमें 3 तारें निकले रहते हैं। तो पहला हो गया ग्रीन, जो कोड होता है ग्रीन माने हरा होता है, और दूसरा एंटीना कॉइल का नीला होता है तार, और तीसरा जो होता है ब्लैक यानी अर्थ होता है। ये देखिए, ये पूरा एंटीना कॉइल है, इस तरह का ये सांकेतिक चिन्ह है एंटीना कॉइल का, ठीक है। तो ये 3 टाइपिंग होती हैं दोस्तों, जिनमें दोस्तों काला अर्थ कर दिया जाता है। हरे सिरे से एक टिमर CT1 गैंग कंडेंसर CT अर्थ होता है। देखिए एक इससे हरे वाले से हमारा ये देखे CT1 एक ये टिमर है, इस तरह का ये टिमर है। इसी एंटीना कॉइल से हरे वाले उससे हमारा CT1 अर्थ होता है, और CG ये देखिए CG1 गैंग कंडेंसर, इसी से हमारा ये गैंग कंडेंसर अर्थ होता है, ठीक है। जब भी आप गैंग के वगैरह के तार जोड़ेंगे तो इसी तरह ये जोड़ा जाता है, ठीक है, जो एंटीना कॉइल होती है। गैंग कंडेंसर के दोस्तों 2 भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें एक भाग CG1 ये देखा है, गैंग कंडेंसर है ये देखिए गैंग कंडेंसर है, ये CG1 और ये CG2। गैंग कंडेंसर के 2 भाग होते हैं, CG1 और जिसमें एक भाग CG1 एंटीना कॉइल के पैरल में अर्थ होता है। एक भाग देखिए ये एंटीना कॉइल के ये पैरल में अर्थ हो गया, ठीक है। ये देखिए एंटीना कॉइल के पैरल कंडेंसर का दूसरा भाग दोस्तों ऑसिलेटर कॉइल के हरे सिरे G में अर्थ होता है। गैंग कंडेंसर का दूसरा भाग हरे सिरे में, यहाँ ये देखिए गैंग कंडेंसर ये हरे सिरे में अर्थ होता है, ठीक है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग में 2 ट्रिमर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, CT1 और ये है CT2 होता है। सेलेक्टर विभाग द्वारा, इसका काम सेलेक्टर विभाग द्वारा छांटी गई फ्रीक्वेंसी को व्यवस्थित करता है, और T1 के गैंग पोल से अर्थ होता है, ठीक है। T1 ये कॉइल है, इसके गैंग पोल से ये देखिए CG1 ये गैंग पोल से ये देखिए अर्थ होता है। विभाग द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है। C2 का काम है ऑसिलेटर द्वारा जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है उनको ट्यून करता है। चेंजर विभाग में 2 भाग होते हैं, मिक्सर विभाग और ऑसिलेटर। इन दोनों विभागों में एक NPN ट्रांजिस्टर BF194B का प्रयोग करते हैं लगा है। कलेक्टर बेस, इसको इमीटर बोलते हैं। एंटीना कॉइल और गैंग कंडेंसर द्वारा, ठीक है, एंटीना कॉइल गैंग कंडेंसर द्वारा छांटी गई फ्रीक्वेंसी को एंटीना कॉइल के नीले टर्मिनल पे देते हैं, ठीक है। ये देखिए नीले टर्मिनल पे ब्लू, ये देखिए कॉइल के नीले टर्मिनल से RF सिग्नलों को, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, RF सिग्नलों को C1 ये कंडेंसर लगा है, C1 0.01 UF द्वारा स्टर के बेस पे देते हैं। यहाँ से देखिए ये सिग्नल हमारा निकला ये कंडेंसर के द्वारा, ये देखिए हमारा ये ट्रांजिस्टर के बेस में देते हैं। BF194B के एमिटर से, ये यहाँ इसका एमिटर है, इसके एमिटर से ये देखिए एमिटर से R1, ठीक है, R1 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस अर्थ होती है, देखिए ये रेजिस्टेंस अर्थ है एमिटर से। Q1 BF194B को कार करने के लिए दोस्तों कलेक्टर पर सप्लाई देते हैं। कलेक्टर पर सप्लाई R370 ओम्स फर्स्ट IFT येलो की प्राइमरी, मीडियम वेट ऑसिलेटर कॉइल की सेकेंडरी, W और R टर्मिनल R1B द्वारा 100 ओम्स द्वारा इसको ये सप्लाई मिलती है रेजिस्टेंस के द्वारा।
कन्वर्टर आईएफटी जो येलो होती है उसका प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा पॉजिटिव होने के कारण आइसोलेटर कॉइल की प्राइमरी का आर सिरा भी पॉजिटिव कहलाता है। बीएफ 194 बेस को R2 390, ये देखिए इसको बेस को 300 R2 390 ओम्स द्वारा फॉरवर्ड वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, इसके द्वारा ये फॉरवर्ड रिवर्स वोल्टेज ट्रांजिस्टर को एमीटर द्वारा अंदर से ही प्राप्त हो जाती है। आइसोलेटर द्वारा प्राप्त फ्रीक्वेंसी, ठीक है, C2 0.01 योग द्वारा बीएफ 194 के एमीटर पर प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक विभाग द्वारा सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी और आइसोलेटर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी के योग से आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बनती है। दोस्तों आईएफ फ्रीक्वेंसी को प्रायः 450 किलोहर्ट्ज से 456 किलोहर्ट्ज तक होती है। दोस्तों बीएफ 194 कलेक्टर से प्राप्त आईएफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आर वन बी 100 ओम्स द्वारा ये देखिए R1B 100 ओम्स द्वारा आइसोलेटर कॉइल की सेकेंडरी द्वारा कन्वर्टर येलो प्राइमरी पर पहुंचता है। ये देखिए एंटीना कॉइल लगी है, ये इस तरह के C2 1 C2 ये ट्रिमर लगे हैं, ये ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बीएफ 194, ठीक है, ये हमारा गैंग लगा है, ठीक है, ये एंटीना कॉइल हो गई, ये मीडियम वेट ऑसिलेटर कॉइल हो गई और एसटी के लिए है। दोस्तों मैं दोस्तों तो चलता हूँ, वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट का मैं बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।